पानी भाई साहब आज कैथल के नहर पर गणेश विसर्जन के दौरान एक लड़के की डूबने की खबर आई थी, जिसका नाम सौरव, उम्र 17 वर्ष थी। इसी बात को लेकर के वहां पर काफ़ी देर तक गोताखोरों का इंतज़ार करता रहा, लेकिन करीब 2-2.5 घंटे के बाद गोताखोर पहुंचे हैं। जिला प्रशासन ने गोताखोरों को बुलाया तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि गोताखोरों का जो एक खर्चा है वो 1 किलोमीटर तक ढूंढने का 8,000 रुपये खर्चा बताया गया है। इस पर प्रशासन का कहना है कि इन गोताखोरों का जो खर्चा होता है वो उन इस लड़के के माता पिता को यानी उनके परिजनों को ही देना पड़ेगा, और जिसे देने में वो असमर्थ हैं। आपको बता दें, सौरव के परिजन जो है वो प्रवासी मजदूर हैं, यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन यहीं समाजसेवी संस्थाओं ने जो अपील की है, तमाम शहरवासियों से अपील की है कि इस हादसा बड़ा हादसा था, इस पर सौरव के परिजनों की मदद की जाए। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने जो है गोताखोर बुला तो दिए हैं, लेकिन अब उनका खर्चा देने में जो आनाकानी की जा रही है उस पर समाजसेवी संस्थाओं ने भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पानी भाई साहब